तो ध्यान देना है यहाँ पे, हम बता रहे थे कैनिजारो, तो फिर से स्टार्ट कर रहा हूं कैनिजारो और उसका मैकेनिज्म। तो हम बात कर रहे थे कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन मेनली किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है। किसके लिए होगा? एल्डिहाइड के लिए होगा। और एल्डिहाइड के पास कंडीशन लगा हुआ है कि उसके पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए, अल्फा एच उसके पास नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर अल्फा एच एल्डिहाइड के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, अल्फा एच नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कैनिजारो के अंदर जो रिएजेंट लेते हैं वो कंसंट्रेटेड KOH लेते हैं, कंसंट्रेटेड KOH लेते हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें भी दो यूनिट होता है जैसे कि एल्डोल में हुआ करता था। तो एक यूनिट का वन यूनिट का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक बनता है। और सेकेंड यूनिट का हो जाएगा रिडक्शन, सेकेंड यूनिट का हो जाएगा रिडक्शन। अगर रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का तो क्या बनेगा? तो वन यूनिट ऑक्सीडाइज एंड अदर यूनिट रिड्यूस। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी रिडॉक्स का टाइप है। एक ही यूनिट का ऑक्सीडेशन और एक ही यूनिट का रिडक्शन, यानी दैट इज नोन एज रिडॉक्स। यानी रिडॉक्स में भी स्पेशल नाम देंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका मान लेंगे दो यूनिट है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ कंसंट्रेटेड KOH है, क्यों कंसंट्रेटेड होता है तो आगे बात करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में डायल्यूट लिया कर जाता था और वहां हीटिंग होता है, यहां पर केवल कंसंट्रेटेड KOH लेता है। तो एक यूनिट का क्या बना देंगे इसमें हम? एक यूनिट कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और दूसरा यूनिट क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? अल्कोहल। तो दूसरा यूनिट अल्कोहल बन गया। तो इसका ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक बना, और इसका अगर रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बना, अगर रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बना, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये बेसिक मीडियम है और हम एसिड बना रहे हैं, तो ये एसिड और बेस क्या कर लेता है? रिएक्शन। तो हम ये नहीं बना के यहां पर क्या बना देते हैं? सॉल्ट, यानी कार्बोक्सिलिक ही बनेगा लेकिन कार्बोक्सिलिक का पोटेशियम का सॉल्ट बना देना है। तो ये तो हमने डायरेक्ट बोला कि एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। अब इसका हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इधर दिखता है तो इधर नहीं। देखो मैकेनिज्म क्या होगा स्टेप वन में एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इसके ऊपर ओ एच माइनस। याद करो एल्डोल कंडेंसेशन में ओ एच माइनस कैसा ट्रीट करता था? पहले एज ए बेस करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्फा एच हुआ करता था। क्या यहां पर अल्फा एच है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर एज ए बेस ये ट्रीट नहीं होगा, तो कैसे ट्रीट होगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है, तो इस पे अटैक मारेगा। जब ये अटैक मारेगा तो ये क्या बन जाएगा? एच, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां प्लस होगा, ये माइनस यहां से जुड़ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, अगर हम कायदे से बात करें तो ये OH बाहर निकलेगा, अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्या निकलेगा? OH बाहर निकलना चाहिए। अगर OH बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा फिर से वही हो गया ना, यानी ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। और ये डबल बॉन्ड जब बनेगा तो ये टूट के जब बाहर जाएगा तो फिर से ये यही आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड करना होगा तो लीच एटेरियल क्या बोलता है? किसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो?
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, रिएक्शन किधर भागता है? फॉरवर्ड भागता है। इसीलिए यहां पर क्या लिया जाता है? कंसंट्रेटेड लिया जाता है, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड हो जाए। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि कंसंट्रेटेड, देखो यहां पर कंसंट्रेटेड लिया जाता है जबकि एल्डोल में डायल्यूट लिया जाता है। तो यहां पर कंसंट्रेटेड लेने का वजह यह है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड में प्रोसीड करना है। तो फॉरवर्ड में प्रोसीड करने का मतलब यह हुआ कि हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तब रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड होगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड हो गया। अब यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन अब यहां पर ऐसा पहला बार आया कि यहां हाइड्रोजन को छोड़ के बाहर जाना होगा, यानी ये डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन को छोड़ के बाहर जाएगा, यानी यहां पर अब हाइड्रोजन H प्लस भी नहीं निकलेगा, H माइनस निकलेगा, क्योंकि यहां पर क्या बनना चाहिए? प्लस। तो यहां पर ये H माइनस यहां से बॉन्ड ब्रेक करके जाता है और ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? OH, और यहां क्या लग गया? H, और सिस्टम से क्या बाहर निकल गया? माइनस H, H माइनस। और यही इस रिएक्शन का आईडीएस है, यानी स्लो स्टेप है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बॉन्ड को तोड़ता है। तो दिस वन इज स्लो स्टेप, दिस वन इज आईडीएस, यानी हाइड्राइड आयंस का बाहर निकालना ही उस रिएक्शन का आईडीएस कहलाएगा। तो दो बातें क्लियर हो गया, क्या क्या हुआ इसमें अभी तक? ये OH- कैसे अटैक किया? एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों नहीं एज ए बेस किया? एल्डोल में कैसे करता है? क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा एच है। यहां कंसंट्रेटेड क्यों लिया जाता है? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के लिए हमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। यहां से कौन निकल के बाहर जाएगा? क्योंकि दूसरा के बन के नहीं निकल जाएगा ना, तो ये एच माइनस का बाहर निकलना क्या होगा? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग यही होगा, स्लो स्लो यही रिएक्शन होगा, क्योंकि इसका निकलना है, यानी लिविंग ऑफ हाइड्राइड आयंस, दैट इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये एक पार्ट का, एक यूनिट का क्या हो चुका है? कार्बोक्सिलिक बन चुका है हमारा, ये कार्बोक्सिलिक बन चुका है। और जो अब एच माइनस यहां से निकला, अब स्टेप टू में देखेंगे। स्टेप टू में जो दूसरा यूनिट है, उस दूसरे यूनिट पे ये H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, यानी एक यूनिट के ऊपर OH ने अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे यूनिट पे H माइनस का हम अटैक करवाते हैं। तो H माइनस का जब अटैक करवाएंगे, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहां H C बॉन्ड टूट जाएगा ना। अब यहां क्या बनेगा? H, और यहां क्या है? H है। अब इसमें कंसंट्रेटेड कुछ H प्लस भी तो होगा, वाटर वगैरह होंगे ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सी एच, सबको दिख रहा नहीं, सी एच एच, और यहां क्या बन जाएगा? OH। तो दूसरे पार्ट का क्या बन गया? अल्कोहल। दूसरे पार्ट का बन गया अल्कोहल। तो फिर से देख लो, स्टेप वन में एक यूनिट क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा रुकता नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में क्या है? बेस है। ये मीडियम कैसा है? बेसिक है। तो ये एसिड नहीं बनाएंगे, यहां क्या बना देंगे? सी डबल बॉन्ड ओके करके छोड़ देंगे, और यहां से OH अल्कोहल पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अल्कोहल वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करने देगा इसको, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर एक कार्बोक्सिलिक भी है और अल्कोहल भी है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? कार्बोक्सिलिक, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएगा, इसको नहीं करने देगा। तो इसीलिए एक यूनिट का हमने सॉल्ट बनाया, मतलब कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनाया, और दूसरे यूनिट का हमने अल्कोहल बनाया। लिख लो ना, कल लिखा हुआ है क्या? तो आईडीएस क्या है? कौन स्टेप आईडीएस होगा? पहला यूनिट पे OH- अटैक किया,
दूसरे यूनिट पे H माइनस अटैक किया, H माइनस का अटैक करने से अल्कोहल बना, OH माइनस का अटैक करने से कार्बोक्सिलिक बना, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनाएंगे इसका OH। अभी हमारे दिमाग में भी आना चाहिए कि OH भी तो एसिड है, इसको सॉल्ट क्यों नहीं बना रहे, तो उसका रीजन है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसको रिएक्शन करने ही नहीं देगा। समझ में आया क्या? एक ही रिएक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन करेगा ना, जब वो समाप्त हो जाएगा तब ना वीक करेगा, पहले स्टार्टिंग में वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने जाएगा, वीक को नहीं कराने देगा। तो फाइनली ये कैनिजारो रिएक्शन में याद रखना है कि एल्डिहाइड लिया जाता है और अल्फा एच कंसंट्रेटेड क्यों लिया जाता है, हो गया ऑक्सीडेशन कैसे बना, हो गया इसका सॉल्ट बनाना है, दूसरे यूनिट का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाना है, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसी का क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ। इस यूनिट का ऑक्सीडेशन हुआ और इस यूनिट का रिडक्शन हुआ। अगर एक ही यूनिट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन या रिडॉक्स भी बोलेंगे, लेकिन रिडॉक्स में एक स्पेशल टाइप आ गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये कैनिजारो में इतना पॉइंट्स ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? अब हेडिंग डालना क्रॉस कैनिजारो। अब क्रॉस कैनिजारो में क्या हम पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा, किसके लेफ्ट साइड, मेरे या तुम्हारे, यहां पे लिख लेना वन यूनिट लिखा हुआ है, यहां वन यूनिट और यहां सेकेंड यूनिट, और यहां रेडॉक्स लिखा हुआ है, और यहां पर मैकेनिज्म कल लिखवाया था मैकेनिज्म। समझ में आ गया था ना? अब हेडिंग डालना क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, दोनों यूनिट क्या होगा, डिफरेंट। अच्छा, इसमें जैसे मान लो एल्डोल में बनाए थे, तो एल्डोल में ट्रिक बताया था, इसमें इसका ट्रिक क्या है, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन और दूसरे यूनिट का रिडक्शन। अब क्रॉस में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कि किस यूनिट का ऑक्सीडेशन करवाऊं और किसका रिडक्शन करवाऊं, तो तुम्हारे हिसाब से किसका होना चाहिए, तो हेडिंग डाल लेना क्रॉस कैनिजारो। इसमें लिखना क्रॉस कैनिजारो, इसमें लिखना when two different unit of aldehyde when two different unit of aldehyde take participate in the reaction, take participate in reaction, take participate in reaction, one unit which has electron deficient carbon, one unit which has electron deficient carbon, one unit which has electron deficient carbon, it undergoes oxidation and another unit undergoes reduction, and another unit undergoes reduction. This is known as cross Cannizzaro reaction. सब कुछ मैकेनिज्म ऐसा ही होगा, बस दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो एक यूनिट हमने ये ले लिया और एक यूनिट पे हम बेंजीन ले लेते हैं, और यहां हम लेते हैं कंसंट्रेटेड KOH। अब हमारे को दो यूनिट डिफरेंट एवीएलडीआईड, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, और ध्यान देना
अगर बाई दबे एक के पास भी अल्फा एच रहेगा ना तो कहां चला जाएगा, एल्डोल में चला जाएगा। एक के पास भी अगर अल्फा एच रहा तो रिएक्शन एल्डोल को चला जाएगा। समझ में आया क्या? दोनों के दोनों यूनिट के पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए, एक के पास अगर रहेगा तो एल्डोल करा देगा वो। तो यहां पर अब यहां पर हम पहले याद करो रिएक्शन के मैकेनिज्म में पहला अटैक किसका करवा रहे थे, OH माइनस का करवा रहे थे ना। तो मुझे बताओ कि OH माइनस ज्यादा अटैक इस कार्बन सेंटर पे करेगा या इस कार्बन सेंटर पे करेगा, ए पे करेगा या बी पे करेगा? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन है? ए, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, और यहां तो देने वाला कोई भी नहीं है, तो यहां पर गरीबी है। इसका मतलब OH का टाइप यहां होगा, OH का टाइप। तो पहले मैकेनिज्म ही देख लेते हैं, मैकेनिज्म वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इसका मतलब OH पहला बार इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, इस पर भी मारेगा लेकिन वो माइनर में रहेगा, मेजर में इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है ये। अब हम एक बार हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन है। तो ये है, तो ये KOH इस पर अटैक मारा, तो एक फाइनल कंक्लूजन निकाल लेंगे हम कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, तो उसी का ऑक्सीडेशन होता है। देखना मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, यही चीजें ऑब्जर्व करना कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां OH एज ए न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पर अटैक मारा, तो अटैक मारा तो एच सी और ये ओ माइनस और यहां एच और यहां लग गया OH लग गया। अब क्या होगा यहां पे, ये छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा ना यहां से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, छोड़ के जाएगा तो माइनस, सॉरी यहां पर बन जाएगा प्लस, प्लस और माइनस में बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस हाइड्रोजन को मैं इधर लिख रहा हूं और इस OH को मैं इधर लिख रहा हूं, और यहां से H माइनस चला गया। तो सोचो क्या हुआ, जिस पर अटैक मारा, आगे का प्रोसीजर तो वही है, K प्लस अटैक कर लेगा और यहां पर बन जाएगा OK बन जाएगा, कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक भी बना, उसका सॉल्ट बना देंगे। तो हमारा कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा मोर रिएक्टिव होगा, और उसी पार्ट को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो आगे से मैकेनिज्म नहीं भी ध्यान में रखते तो चलता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, एल्डोल में क्या सिखाया था, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा अगर ट्रिक से उसी का ऑक्सीजन गायब कर दे रहे थे हम, तो इस केस में क्या करना है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी का क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन करवा देना है, और दूसरे पार्ट को क्या करवा देना है, रिडक्शन। तो अगर मैं फाइनल आंसर बिना मैकेनिज्म का लिखूं, तो इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन लिख दूं तो इसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक नहीं लिखेंगे हम, OK लिख देंगे क्योंकि सॉल्ट बनाएगा। और इस पार्ट को क्या करवा दूं मैं, इसका रिडक्शन करवा दूं, तो यहां रिडक्शन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, CH2 और यहां क्या लग जाएगा, OH। यानी जो लेस रिएक्टिव है उसका हो गया रिडक्शन। अगर मैं मैकेनिज्म नहीं देख रहा हूं तो डायरेक्ट अगर बोलूं तो, जो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उसका हो जाएगा, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका उतना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बिना अगर हम मैकेनिज्म जाने अगर बनाना है तो डायरेक्ट ऐसे बनाना है, तुरंत हमें डिसाइड कर लेना है कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है उसका करवा दो ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैकेनिज्म भी वही बोल रहा है। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, ये स्टेप वन है, स्टेप टू में क्या करेंगे, जो H माइनस यहां से निकला है उसके दूसरे यूनिट पे क्या करेगा, अटैक मारेगा। तो दूसरा यूनिट हमारा ये है, दूसरा यूनिट हमारा ये है। अब ये H माइनस का अटैक हम कहां सोचेंगे, H माइनस का अटैक हम इस पे सोचेंगे, तो जब अटैक सोचेंगे तो क्या होगा, C और ये क्या हो जाएगा, O माइनस और यहां पर H, H जुड़ गया, अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ H प्लस जुड़ जाएगा और H प्लस जुड़ जाएगा तो ये रिएक्शन में बन गया C और H2 और यहां लग गया OH। तो ये तो हमने मैकेनिज्म भी देखा और हमने देखा क्या, डायरेक्ट प्रोसेस।
तो अब डायरेक्ट करना हो तो क्या करोगे, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ज्यादा होगा उसका करवा दोगे ऑक्सीडेशन, जो कम होगा उसका कराएगा रिडक्शन। मैकेनिज्म भी वही बोल रहा है। देखो इस पे अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सर ओएच का अटैक आप पहले इस पे क्यों करवाए, इस पे क्यों नहीं करवाए, टेंसर क्या है उसका? ओएच का अटैक हम इसी पे क्यों करवा रहे हैं, पहला बात इस पे क्यों नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ज्यादा है, इस पे भी अटैक होगा लेकिन वो माइनर में होगा, ज्यादा अटैकिंग इसके ऊपर होगा, ज्यादा अटैकिंग मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट में होगा, तो यानी मेजोरिटी में ये होगा, इसीलिए पहला बार हमने अटैक पहला यूनिट वाला पे करवाया है, हमने इस पे इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, तो बाद में स्पेस माइनस अटैक मारेगा। तो आगे से इसका भी ट्रिक ध्यान में रखना है, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और एल्डोल में भी ध्यान में रखना है जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीजन ट्रिक से गायब कर देना है। आसान है ना दोनों, और 100% जेई में आता ही आता है, नेम रिएक्शन में पहला नंबर पे ही है। तो अब नेक्स्ट लिखना इंट्राकैनिजारो रिएक्शन। समान लो दिया CHO और CHO, अब इंट्रा के अंदर हमें दो यूनिट नहीं लेना है, हमें उसी यूनिट के अंदर ऑक्सीडेशन करवाना है, और उसी यूनिट के अंदर तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है ना, इसके पास अल्फा इस इसमें क्या कर देंगे हम, एक यूनिट का ऑक्सीडाइज करवा दो तो क्या बन जाएगा ये COOH, और एक यूनिट का क्या करवा देंगे हम रिडक्शन, तो यहां पर हम एसिड नहीं लेके क्या लिखेंगे, तो एक यूनिट ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा यूनिट क्या हो गया और रिड्यूस हो गया, तो इसको ही बोलेंगे हम इंट्रा कैनिजारो, क्या बोलेंगे इंट्रा कैनिजारो, ठीक है। अगर दोनों यूनिट दोनों टर्मिनल अलग अलग है तो किसको ऑक्सीडाइज करोगे, सिंपल सेंसर है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो होगा उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर यहां पर दोनों यूनिट दोनों टर्मिनल क्या है सेम है, ये और ये टर्मिनल सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऑक्सीडाइज कराओ या इसको ऑक्सीडाइज कराओ, अगर दोनों टर्मिनल डिफरेंट हुआ तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको ऑक्सीडाइज करवाना है। ये क्लियर हो गया, तो ये लगभग एल्डोल कंडेंसेशन वाला चैप्टर, सॉरी ये एल्डिहाइड कीटोन ये चैप्टर एंड हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ रिएक्शन जो है एडिशनल हम पढ़ेंगे अभी, यानी कम से कम 10 ऐसे रिएक्शन है जो डायरेक्ट ध्यान में रखना है। तो अब हेडिंग डालो, मतलब मेन पार्ट हमारा ये खत्म हुआ, लेकिन 10 रिएक्शन अभी ऐसे बाकी है जो एडिशनल जेई के लिए खासकर पूछा जाता है। तो हेडिंग डालो परकिन रिएक्शन, राइट डाउन हेडिंग परकिन रिएक्शन, क्या बोल रहे हो, कैसा ये बोल रहे हो क्या, यहां CH2 होगा, यहां CH2 कर देना, अब हेडिंग डालना परकिन रिएक्शन। तो मेन पार्ट एल्डिहाइड कीटोन का समाप्त हो गया है, अब जो रिएक्शन लिखवा रहे हैं इसको डायरेक्ट याद रखना है परकिन रिएक्शन, परकिन रिएक्शन इसमें लिखना When aromatic aldehyde
When aromatic aldehyde react with acidic anhydride in the presence of sodium salt of carboxylic acid then it form alpha beta unsaturated acid and beta aryl या इसको बोलते हैं फिनाइल and beta aryl and या और फिनाइल। अब ध्यान से देखना परकिन रिएक्शन का फिक्स है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा 100% एंड दिस वन इज बेंजाल्डिहाइड इसका मतलब परकिन में ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है यानी ये बेंजाल्डिहाइड होगा और ये क्या होगा ये एनहाइड्राइड है फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो जब बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन एनहाइड्राइड से करवाया जाता है तो ये पीएच मतलब ये वाला ग्रुप फिनाइल लिखा हुआ फिर इसके बाद ये अगर मैं इसको यहां पर काउंट करूं तो दिस वन इज अल्फा दिस वन इज कॉल्ड बीटा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड और बीटा पे क्या बनता है फिनाइल और ये क्या है एसिड तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि परकिन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है तो फाइनल प्रोडक्ट में नाम लिख देगा अगर तुम एमएच वाला लगाओगे ये क्वेश्चन उससे पूछा हुआ है कि परकिन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है तो फाइनल प्रोडक्ट में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड और बीटा फिनाइल ये बीटा फिनाइल या एराइल जिसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड के नाम से जाना जाता है दैट इज नोन एज सिनेमिक एसिड ठीक है एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है वो मैं लिख रहा हूं मैकेनिज्म में समझ में आएगा कि कैसे बाई प्रोडक्ट बना है तो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक बनता है HCO एसिटिक एसिड अब हम दो तीन बाद अभी मैकेनिज्म देखेंगे लेकिन उसके पहले ध्यान रखना परकिन रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बीटा फिनाइल एसिड बाय प्रोडक्ट HCO यह है परकिन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड दैट इज नोन एज सिनेमिक एसिड तो यहां पर परकिन में अब ये सब क्वेश्चन में ज्यादा क्या पूछता है डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पूछता है कि प्रोडक्ट परकिन में क्या बना है तो परकिन में फाइनल प्रोडक्ट बताओ तो परकिन में फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बीटा फिनाइल एसिड बनता है और ये फिक्स है वो इसको में चेंज नहीं करेगा वो एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड ही रहेगा और ये बेंजाल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड ही रहेगा ये नहीं कि
क्रॉस कर यारों की तरह रिएक्शन चेंज कर रहा है या एल्डोल की तरह रिएक्शन चेंज कर, सब फिक्स है। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है। अब इस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, क्योंकि NaOH है और एसिटिक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो बेसिक होगा तो ध्यान रखना एल्डोल की तरह ही रिएक्शन जाएगा ये। इसका मतलब ये अल्फा एच है, अल्फा एच है तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उड़ाएगा पहले ये, यानी जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका जो बेस है वो इस अल्फा एच को उड़ाने की कोशिश, या तो इसको उड़ाएगा या तो इसको उड़ाएगा। तो मैं मैकेनिज्म ऊपर लिख रहा हूं, तो मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर हम थोड़ा बहुत जान रहे हैं तो हम प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि एल्डोल हमने पढ़ लिया है। तो ध्यान देना मैकेनिज्म में ऐसा होगा, यहां पर ये बेंजल डिहाइड हमने लिख दिया और C डबल बॉन्ड O H हमने इसको लिख दिया। अब इसके ऊपर अगर ये बेस है और ये OH है, इसके अल्फा H को उड़ा देगा और एल्डोल की तरह यहां पर CH2 न्यूक्लियोफाइल पहले बना दिया, न्यूक्लियोफाइल बना दिया, बाकी पार्ट हमने यहां पर लिख दिया। अब ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, सेम टू सेम एल्डोल की तरह जा रहा है, और ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक मारेगा। जब अटैक करेगा ये बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर O माइनस हो जाएगा और यहां O CH है ये, और ये प्लस होगा तो ये प्लस पे माइनस जुड़ जाएगा, जोड़ दो यहां पे CH2 C। अभी रिएक्शन में कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल एल्डोल की तरह ही जा रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन में ये एज ए बेस अटैक करके एक यूनिट से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता था और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता था, दूसरे पे अटैक करवा रहा था। तो वहां पर परकिन में क्या डिफरेंस आ गया, ये तो एल्डिहाइड है, चलो चलते एल्डोल में एल्डिहाइड ले लिया जाता है, लेकिन परकिन एल्डोल में दूसरा जो यूनिट होता है वो एनहाइड्राइड नहीं होता है, लेकिन परकिन में दूसरा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा, फिक्स है, रिएक्शन सेम एल्डोल के जैसा ही जाता है, लेकिन इसमें दूसरा जो यूनिट है वो दूसरा यूनिट उसमें क्या लेते थे, कीटोन लेते थे, या जिसके पास अल्फा एच होता था वो लेते थे, लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई लेते थे, लेकिन यहां पर दूसरा यूनिट क्या हुआ, एनहाइड्राइड है, इसमें फिक्स है, इसलिए परकिन का नाम दिया गया। अब ये रिएक्शन कुछ उसी तरह से हुआ है, अब यहां पर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि सिस्टम के अंदर वाटर भी है तो यहां पर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखना आगे सिखाएंगे भी, जब एनहाइड्रस का एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है और ऑक्सीजन को H प्लस दे दिया जाता है और इसको OH माइनस, यहां पर H प्लस जुड़ जाएगा OH बन जाएगा। तो एनहाइड्राइड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को H प्लस दे दिया जाता है और कार्बन को OH माइनस, यानी जिसके पास ऑक्सीजन है उसको H दे दो और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं उसको OH दे दो, समझ आया क्या, और ये सिस्टम छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कुछ रिएक्शन इस तरह से बना, ये बेंजीन है C और यहां H अल्कोहल हो गया, यहां पर क्या है CH2 है और यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड O और OH है, ये सिस्टम से बाहर निकल गया, बाहर निकलेगा तो बाई प्रोडक्ट बनाएगा, क्या लिखेंगे इस पे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, यही तो बाई प्रोडक्ट हमने लिखा था। अब ध्यान देना इसमें क्या होगा, अब अल्कोहल है OH है तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, अब मैं डायरेक्टली लिख दू H प्लस और थोड़ा सा हीटिंग होगा, ये बॉन्ड तोड़ के निकलेगा एल्डोल की तरह, डबल बॉन्ड कहां जनरेट करेगा, क्योंकि डबल सिंगल डबल एल्डोल की तरह ही, बिल्कुल एल्डोल की तरह ही रिएक्शन है। तो यहां मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, दिस वन इज बेंजीन और सी एच, अब डबल बॉन्ड सी एच और यहां हो गया
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी दिस वन इज अल्फा दिस वन इज बीटा, यही तो था सिनेमिक एसिड। समझ में आया क्या? तो बिल्कुल एल्डोल की तरह ही है, बस दूसरा यूनिट के जगह पे क्या ले लिया इसने, एनहाइड्राइड लिया है। तो परकिन में मैग्नीशियम ध्यान में रखो या ना रखो, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता वो ध्यान में रखने का। इसमें बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और बीटा पे फिनाइल लगा हुआ है, यानी फिक्स है कि बीटा पे फिनाइल ही लगेगा, और एसिड बना, और बाई प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड बना CH3COH। दिस वन इज नोन एज परकिन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखना, मिल लग गया, गया तो ये रिएक्शन याद रहेगा। नेक्स्ट लिखना पिनाकोल रिएक्शन, पिनाकोल रिएक्शन, पिनाकोल रिएक्शन। पिनाकोल रिएक्शन तो हम पिनाकोल बनाएंगे भी, अभी डायरेक्ट हम रिएक्शन देख रहे हैं, पिनाकोल रिएक्शन, पिनाकोल रिएक्शन CH3CH3OH CCH3CH3OH। दिस वन इज नोन एज पिनाकोल। पिनाकोल का रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ थोड़ा सा हम हीटिंग करते हैं तो ये हमें रिएक्शन बनता है। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल भी है। अब ध्यान दो इधर कि OH है और एसिडिक मीडियम है, इसको ऐसे भी लिखता है H प्लस और वाटर, ये दोनों साथ में लिख दिया है, ऐसे भी लिखता है। तो OH और वाटर H प्लस है तो कुछ ऐसा होगा, क्या करेगा ये लोन पेयर देख के क्या कर देगा, अटैक मारेगा। जब अटैक मारेगा तो यहां पर हो जाएगा OH2, एक ही पे पहले अटैक मरवाएंगे क्योंकि रिएक्शन देखते ही देखते निकल जाएगा ना वहां से, पहले एक ही पे अटैक मरवाएंगे। अब इसको जाने का टाइम आ गया है तो यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां से निकलेगा ना, तो यहां से निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा, निकलेगा ना, तो यहां क्या क्रिएट कर देगा, प्लस क्रिएट कर देगा, यहां पर प्लस क्रिएट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का यही है कि क्या कार्बोकेटाइन का यहां रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। रीअरेंजमेंट तो तभी होता है ना जब अगला स्टेप में क्या मिलता है, उसको स्टेबिलिटी मिलता है। यहां पर कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम बोलेंगे इसका रीअरेंजमेंट होगा, और बाकी कभी भी ऐसा आए ना केस तो तुम रीअरेंजमेंट करना। देखो कैसे, अगर ये कार्बोकेटाइन यहां चला गया तो हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड तो है नहीं, और इसके समय मिथाइल शिफ्ट होता है, या फिनाइल है तो पहले फिनाइल करना है, ध्यान रखना फिनाइल और मिथाइल में फिनाइल है तो फिनाइल करना है, मिथाइल मत कर देना गलती हो जाएगा। तो यहां पर हम इस मिथाइल को यहां लाते हैं और इस कार्बोकेटाइन को हम यहां लेके जाते हैं, तो हमने यहां पर कर दिया 1.2 मिथाइल शिफ्ट। ध्यान रखना इसमें मिथाइल मिलेगा तो फिनाइल मिलेगा, हाइड्राइड नहीं मिलता है, तो फिनाइल को करना है, अगर फिनाइल रहा तो। अब ये अगला स्टेप यहां जाने के बाद रीअरेंजमेंट तो तभी होता है ना जब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो यहां स्टेबिलिटी ज्यादा या कम है,
यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, सोचो कैसे, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, ये बैक बॉन्डिंग बना देगा, एक टाइप का रेजोनेंस है। जब जब ऐसा आए, अगर ध्यान रखना कभी भी अगर प्लस है और यहाँ पर OH है, सोच लेना ये ज्यादा स्टेबल यहाँ पर फील करेगा, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बनेगा या रेजोनेंस के नाम हम देते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग बना देगा जिसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर केवल 3 डिग्री के द्वारा स्टेबलाइज है और यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, तो कौन सा, यानी कुल मिला के यहाँ पर हाइपर के द्वारा स्टेबलाइज है और यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, तो कौन सा स्टेबलाइजेशन ज्यादा माना जाएगा, रेजोनेंस को। इसीलिए कभी भी ऑर्गेनिक अंदर ध्यान रखना है चीज को, क्योंकि जीओसी में क्वेश्चन पूछता है, कभी भी अगर लोन पेयर के बगल में अगर आता है, कई क्वेश्चन है मिशन में, कई अगर लोन पेयर के बगल में कार्बोकेटाइन आता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये मत दिमाग में लगाना कि सर माइनस आई है और इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, लोन पेयर अगर है तो बहुत उसको स्टेबल बना देगा। समझ में आया क्या, लोन पेयर के बाजू में अगर कार्बोकेटाइन है तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी उसको बैक बॉन्डिंग के द्वारा कर देगा। तो यहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल है, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ केवल 3 डिग्री है और यहाँ रेजोनेंस है, तो दिस वन इज मोर स्टेबल, है ना, है या नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर प्लस है तो यहाँ OH बन के बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब वाटर बन के बाहर निकलेगा तो फिर से यहाँ प्लस क्रिएट कर देगा। अब यहां से किसका जाने का टाइम आ गया है, इस हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, H प्लस बन के निकलेगा, तो यहां क्या छोड़ के जाएगा, माइनस, तो इस माइनस और इस प्लस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर CH3 और CCH3 और यहां बन गया क्या, कीटोन, क्या बन गया यहां, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। तो पिनाकोल से क्या बन गया, पिनाकोलोन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट और इसका मैकेनिज्म भी लॉजिकल है। तो पिनाकोल से बना पिनाकोलोन, तो जब जब रिएक्शन ऐसा आएगा वैसे वैसे करोगे, याद नहीं रखना है, जब जब OH एडजेसेंट पे आएगा और वहां H प्लस और हीटिंग होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म ध्यान में रखना, वहां शिफ्टिंग होना मस्ट है। इसका पिनाकोलोन से पिनाकोल से पिनाकोलोन में जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका और ये लॉजिकल बात है कि वहां शिफ्टिंग हुआ है। समझ में आ गया, तो परकिन पढ़ा दिया, पिनाकोल से पिनाकोलोन पढ़ा दिया, कल हम और भी रिएक्शन देखेंगे, एक बैकमैन और वाला भी है, तो 3-4 रिएक्शन और अभी। ओके, थैंक्स।